ये मैंगो शेक बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये है मैंगो और साबुत दाने का एकदम न्यू और शरीर को ठंडक देने वाला शरबत। तो आइए शुशुटाक से रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 2 ग्लास पानी डालेंगे और 1/2 कटोरी हमें लेना है साबुत दाना। इसके बाद हम इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। 5 से 6 मिनट में ये बॉयल हो जाएंगे और इसका कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। साबूदाना बॉयल हो रहे हैं दोस्तों और ये मैंने लिए है 2 आम और आम को हमने रफली छोटा छोटा कट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम मिक्सिंग जार में सारे ही आम के चंक्स को डाल देंगे। 1/2 कटोरी चीनी डाल देंगे, लगभग 7 से 8 बड़े चम्मच, और 1 कटोरी दूध डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद सभी को हम ग्रिंड करके अच्छी तरीके से पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, साबूदाना भी बॉयल हो गया है, हल्का हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसको हम खुले पानी में धो लेंगे ताकि इसका जो सारा जो स्टार्च होता है ना वो सभी निकल जाए, ठीक है। और बस दोस्तों, इसके बाद हम एक बर्तन में जो मैंगो का पल्प बन के रेडी हुआ था ना उसको डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के भी जार को क्लीन करते हुए सारा पल्प निकाल देंगे और फिर 1 ग्लास पानी भर के और डालेंगे, क्योंकि हम ये मैंगो सागो का शरबत बना रहे हैं। ये शरबत एकदम से शरीर में एनर्जी और ठंडक ला देगा। आप इसमें 1 ग्लास पानी और डाल सकते हो अगर आपको और पतला चाहिए तो, ठीक है। इसके बाद हम ये 3 से 4 टेबलस्पून ये साबूदाना को डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे। दोस्तों बहुत ही टेस्टी शरबत बनता है ये। थोड़े से हम आइस क्यूब डाल देंगे और इसके बाद हम डाल देंगे छोटे छोटे कटे हुए मैंगो के चंक्स। दोस्तों जब इस शरबत को पीते हुए साबूदाने के साथ साथ ये आम के चंक्स भी मुंह में आते हैं ना, तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। दोस्तों मैंगो शेक तो आप घर में बनाते ही है, एक बार ये मैंगो सागो शरबत बना के देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको पी के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, थैंक यू।